कविता का शीर्षक है दिल का बस्ता। कविता देखें कि हमने दिल के बस्ते में कितना कुछ ठूस कर रखा है, जोर ज़बरदस्ती से भरे कई जज्बात, कुछ यादें और बहुत ज़्यादा सपने। चैन लगाना मुश्किल होता है, खींचना पड़ता है चैन को दोनों ओर से पूरी ताकत के साथ, पर जब जिंदगी झांकती है अपनी गर्दन उचकाकर तो डर लगता है कि कहीं बस्ता बंद करते वक्त चैन में न फंस जाए जिंदगी। फिर ये भी डर लगता है कि जिंदगी अंदर धकेलते वक्त सपने नीचे दब ना जाएं कहीं। हमने दिल के बस्ते में कितना कुछ ठूस कर रखा है, कभी कभी भीतरी दीवारों से इतना दबाव सहन नहीं हो पाता तो उधड़ने लगती है सिलाई बस्ते की, एक दरार सी पड़ जाती है दिल में कहीं। जाने क्यों सिलाई हमेशा सपनों की तरफ की उधड़ती है, सबसे नाजुक सतह वही है शायद। फिर इस बस्ते को सीने की जद्दोजहद में कोई सुई बेढब चुबो देता हूँ जिंदगी में मैं, फिर इस बस्ते को सीने की जद्दोजहद में कोई सुई बेढब चुबो देता हूँ जिंदगी में मैं। लोग बातें बनाते हैं कि सपने निकाल दूँ तो काफ़ी जगह बनेगी जिंदगी के लिए अंदर, मगर मुझे बातों के जवाब देने नहीं सिखाए गए। मुझे सिखाया गया है सवालों के जवाब देना, और उसमें भी अगर गलत को सही का मेकअप चढ़ाकर बेहद सादगी से परोस देना। हालांकि मैं ठीक ठीक से ये भी नहीं सीख पाया। मैं कोई विचारक नहीं हूँ, मैं विचारों का विरोधी भी नहीं, मुझे सोचना तंग करता है। आखिर किसी की कल्पना को नग्न कर सरेआम कर देना उसे नग्न करने के समान ही तो हुआ। सोचता हूँ जिस रोज़ कविता मुझे कह देगी उस दिन क्या होगा, तुम उस कविता को सच जान बैठोगे, मैं उसके पुष्टि होने की खुशी मनाऊँगा। पर कविता एक बार फिर घुटने टेकेगी, वो खाना मांगेगी, पानी मांगेगी, और सच और झूठ दोनों उसकी खुराक नहीं, खुराक है तो दिल में कहीं। और हमने दिल के बस्ते में कितना कुछ ठूस कर रखा है, एक नफ्स भी गुजरती है दिल से खून लाने ले जाने के लिए, लोग आजकल उस नफ्स को दबोचने लगे हैं बस्ते की तनी समझकर। आंसू भी उसी नब्ज में तैरते हैं अक्सर, कभी जो सपनों को छू लेते हैं तो आंखों में उतर आते हैं, बहुत भरे रहते हैं वो आंसू, अंदर रहते हैं तो बस्ता भारी रहता है, बाहर बहते हैं तो आंखें साफ हो जाया करती हैं, और फिर सपनों को ज़्यादा जगह मिलती है अंदर, बस इसी तरह फैलते जा रहे हैं सपने। अभी तक बहुत खून आया, बहुत आंसू गए, पर सपने वही हैं। हमने दिल के बस्ते में कितना कुछ ठूस कर रखा है। धन्यवाद।